चैनल को प्रेस कर दें ताकि देता नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जे ए बी सी एवर बैंक प्रमोशन संदर्भ से हम लोग बात करें पी एस बी पंजाब एन सी इन बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रविशर क्वेश्चन से क्लर्ट ऑफिसर का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्रें छोटा सा अनाउंसमेंट है यहाँ पंजाब एन सी एन बैंक पी एस बी का प्रमोशन एग्जाम का हमारे पास कोर्स कंटेंट होता है क्लर्क से ऑफिसर के लिए जो कि प्योरली फॉर पी एच बी प्रमोशन एजाम के लिए जाते है जाते आपको वीडियो सारे कोर्स हो जाएंगे डिस्कशन के विज़े नोट हो जाएंगे पी डी एफ में तीन क्वेश्चन हज़ार हो जाएंगे प्राइस रखा गया दो हज़ार रुपये मैंने की वैलिटी के लिए तीन हज़ार रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिटी के लिए पहले सॉल पाइए इज इस मैक्सिमम कैपिटल कंजर्वेशन बफर प्रेस्क्राइब्ड अंडर बेसल थ्री बेसल थ्री के तहत तो कितना मैक्सिमम कैपिटल कंजर्वेशन बफर यानी सी सी बी प्रेस्क्राइब किया गया है ज्यादा से ज्यादा यह ऑप्शन वन पॉइंट फाइव परसेंट टू पॉइंट फाइव परसेंट से ऑप्शन टू पॉइंट परसेंट सही ऑप्शन यानी कंजर्वेशन बेफर जाता टू पॉइंट फाइव परसेंट हो सकता है बी ऑप्शन क्वेश्चन टू पी एम विश्वकर्मा स्कीम इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पी एम विश्वकर्मा स्कीम जो है रिलेट करता है प्रोवाइड करने के लिए किसको ये ऑप्शन है फार्मर्स ऑप्शन सही ऑप्शन पीपल बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री में आइए एक्सपेंड सी आर एम सी सी आर आए सी का फुल फॉर्म बताइए ए ऑप्शन है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बी ऑप्शन है क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन कमेटी सी ऑप्शन हो जाएगा आपका कंट्री रिस्क मैनेजमेंट कमेटी डी ऑप्शन हो जाएगा कंट्री रिस्क मैनेजमेंट काउंसिल सी आर एम सी का फुल फॉर्म हो जाएगा क्रेडिट रिस्क ठीक है सी आर एम सी का फुलॉर्म हो जाएगा सी आर एम सी का फुल फॉर्म हो जाएगा क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर डेट ऑफ रिव्यू ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बाय आर बी आई जनरली इन द मंथ ऑफ किस डेट को रिव्यू की जाती है मोटरी पॉलिसी आर का जनरली का ऑप्शन है अगस्त अक्टूबर दिसंबर फरवरी ऑप्शन है अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर दिसंबर फरवरी सी ऑप्शन है दिसंबर मार्च जून सितंबर डी ऑप्शन है मार्च जून दिसंबर नवंबर सही ऑप्शन हो जाएगा बी आपका अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर दिसंबर फरवरी बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फाइव आई द न्यू कंसेप्ट ऑफ ई एक्सटर्नल बेंच लिंक्ड Uh, the new ऑफ of बी एल benchmark lending rates interest रेट्स इंटरेस्ट रेट्स लिंक टू जो नया कंसेप्ट है ई बी एल आर का स्टैंडर्ट बेंच मार्क लैंडिंग रेट्स का जो इंटरेस्ट रेट होता है जिससे लिंक होता है किस है? है, RBI, policy, से ऑप्शन है आर बी आई पॉलिसी रेपो रेट से बी ऑप्शन है जी ओ आई थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्रेजरी बिल हिल्ड सी ऑप्शन है एनी अदर बेंच मार्क इंटरेस्ट रेट पब्लिश बाई फी बिल डी ऑप्शन ऑल नया कंसेप्ट है ई बी एल आर का बेसिकली यहाँ जो या नेशनल बेंच मार्क लैंडिंग रेट जो होता है इसका इंटरेस्ट रेट लिंक्ड होगा आपका आर बी आई पॉलिसी रेपो रेट से ए ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्रेजरी बिल ट्रेजरेबिल्ड के साथ सी ऑप्शन हो जाएगा एनी अदर बेंच मार्क इंटरेस्ट रेट जो कि पब्लिश की, की जाती है के द्वारा डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अब क्वेश्चन नंबर सिक्स में आइए इंटरेस्ट रेट्स चार्ज बाई बी आई डायरेक्टिव कैन नॉट बी क्वेश्चन कॉर्ट ऑफ लॉ अंडर द प्रोविजंस ऑफ जो इंटरेस्ट रेट होता है जो चार्ज किया जाता है बैंक द्वारा आर बी के, के हिसाब से जिसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कॉर्ट ऑफ लॉ में किसके प्रोविजन के तहत तो, ऑप्शन है सेक्शन ट्वेंटी वन एफ बैंक रिलेशन एक्ट बी ऑप्शन सेक्शन ट्वेंटी ए ऑफ एन आई एक्ट सी ऑप्शन सेक्शन थर्टी फाइव ए ऑफ आर बी एक्ट री ऑप्शन सेक्शन ट्वेंटी ए ऑफ आर बी एट जो हम इंटरेस्ट रेट के ऊपर सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं ये आर बी आई के डायरेक्टिव से किसी भी कॉर्ट ऑफ लॉ में आप पूछ नहीं सकते क्वेश्चन नहीं राइज कर सकते हैं ये आपको मिलता है सेक्शन ट्वेंटी वन ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट के तहत क्वेश्चन नंबर सेवन में आइए विच एफ द फॉलोइंग लाइब्रिटी इज नॉट टेकन एज ए पार्ट ऑफ टाइम एंड डिमांड लाइब्रेटीज़ फॉर द पर्पज ऑफ सीर आर सी आर का यानी कैसे जब रेशो के पर्पज़ के लिए कौन सा लाइब्रिटी को हम नहीं लेते हैं लेतेज ए पार्ट ऑफ टाइम एंड डिमांड लाइब्रेटीज का पर्पज़ में यानी किस प्रकार की लाइब्रेटी को हम लोग नहीं लेते हैं एज ए पार्ट ऑफ टाइम एंड डिमांड लाइब्रेटिस का ये ऑप्शन है पेड ऑफ कैपिटल फिक्स डिपॉजिट ऑप्शन अकाउंट भी ऑप्शन है रिकरिंग डिपॉजिट्स सही ऑप्शन क्या होगा तो आप यहाँ बात कर रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा नॉट पार्ट ऑफ टाइम एंड डिमांड लाइब्रिटीज डिमांड एंड टाइम लाइब्रिटीज का पार्ट नहीं होगा वो पूछा जा रहा है ये ऑप्शन है पेड ऑफ कैपिटल ये नहीं है भी ऑप्शन फिक्स डिपॉजिट बिल्कुल है सेविंग अकाउंट भी है और रिकरिंग डिपॉजिट भी ये तीन के तीनों जो है पार्ट है टाइम एंड डिमांड लाइब्रिटीज का बट पेट कैपिटल नहीं है सही ऑप्शन हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर एट में आइए वैन आर बी आई वॉन्ट्स टू इनक्रेड्यूस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम इट जब आर बी आई चाहता है कि बैंकिंग सिस्टम से लिक्विडिटी को कम करना यानी पैसा निकालना चाहता है बैंकिंग सिस्टम से तो ऑप्शन है इंक्रीज द एस एल आर यानी एस एल आर वो बढ़ा देगा बी ऑप्शन है इंक्रीज दी ए आर सी एल आर बढ़ा देगा सी ऑप्शन हो जाएगा अब का इंक्रीजेज द रेपो रेट बढ़ा देगा डी ऑप्शन हो जाएगा इनक्रीजेज रिवर्स रेपो रेपो रिवर्स रेट बढ़ा देगा सही ऑप्शन क्या होगा इस केस में इंक्रीज कर देगा सी आर आर बी ऑप्शन क्वेश्चन नाइन में ये व्हाट इज अ मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ सी आर आर डेट कैन बी प्रेस्क्राइब मिनिमम और मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ सी आर क्या होगा जो कि प्रेस्क्राइब किया जा सकता है ऑप्शन थर्टी थ्री परसेंट ट्वेंटी परसेंट फोर परसेंट ट्वेंटी परसेंट सी ऑप्शन है फाइव परसेंट ट्वेंटी परसेंट डी ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर बी आई मिनिमम और मैक्सिमम एक्सटेंट जो सी आर का होता है जो आर बी आई प्रेस्क्राइब कर सकता है ठीक e है ठेके? वो वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं कि मिनिमम मैक्सम जो मर्जी वो कर सकता है आर बी आई और आर बी आई के पास पावर है आर बी आई के पास डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टेन में ही आर बी आई कैन इशू डायरेक्टिव टू बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ दोन्स एंड एडवांसेजर सेन तो आर बी आई के पास पावर है कि इशू कर सकता है डायरेक्टिव बैंक को उस रिस्पेक्ट में लोन्स और एडवांसेज संदर्भ में सेक्शन ट्वेंटी वन ऑफ किसका ए ऑप्शन बैंक रेगुलेशन आर बी आट नाइन फोर ऑप्शन एस बी एट वन फिफ्टी फाइव सही ऑप्शन क्या होगा सही ऑप्शन हो जाएगा बैंक रेगुलेशन एक्ट ए ऑप्शन सेक्शन ट्वेंटी एक्ट के तहत आरबीआई करता है ऑप्शन यहाँ हमारे पास पी एस बी यानी पंजाब सिंध बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए क्लर्क से ऑफिसर के लिए प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पंजाब एंड सिंध बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए रहता है जिसमें आपको वीडियो लेक्चर कोर्स जाएंगे सर्कुलर सारी वीडियोज हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में तीन चार क्वेश्चन बैंक हो हो जाएगा मॉक टेस्ट जाएगा प्राइस रखा गया दो हज़ार रुपये छः महीने की वैलिडिटी के लिए तीन हजार लाइफ फ्रॉ वैलिडिटी के लिए जाए जानकारी के लिए कॉल करके पूछ सकते हैं वाट्सप कर सकते हैं नंबर हो जाएगा जा फोर टाइम सेवन सिक्स एट फाइव टू सेवन अगर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं वेबसाइट हो जाएगा ट्रिपिल डब्ल्यू जे बी सी एडी मेडल डॉट कॉम ई मेल आई डी सीट से जे मेल डॉट कॉम यह इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया थैंक यू वेरी मच